अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर नंबर 5 ऑफ इंग्लिश। लेक्चर नंबर 5 का टॉपिक है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? बेसिकली सिंगुलर हम एक चीज़ को कहते हैं, कोई भी एक चीज़, एक इंसान या एक जानवर, वो एक है अगर तो हम उसको कहेंगे सिंगुलर, और अगर वो ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा होंगे तो वो प्लूरल नाउन्स में आएगा। आ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, एनिमल और अ थिंग। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? किस कोई भी एक इंसान, जानवर या कोई भी एक चीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल, कैट, बॉय। पेंसिल एक कैट, एक कैट है तो कैट, बॉय एक, और अगर ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे पेंसिल्स, कैट्स या बॉयज। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन। अ प्लूरल नाउन नेम्स टू और मोर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। वी एड एस टू फॉर्म अ प्लूरल नाउन। जब सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं तो उसमें हम एस का जो है वो इजाफा करते हैं, सिंगुलर वर्ड के आगे हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे पेंसिल के आगे एस लिखने से पेंसिल्स बन जाएगा और ये क्या है? प्लूरल। उसी तरह कैट के आगे एस लिखेंगे हम तो कैट्स, और बॉय के आगे हम एस लिखेंगे तो बॉयज़। अब यहाँ पर कुछ सिंगुलर प्लूरल्स हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको अपनी कॉपी में नीट करके लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट लिखनी है, ऊपर क्लास वर्क और यहाँ पर डेट मेंशन करना है। उसके बाद आपने ये जो आपका पेज है इसके सेंटर में, मिड में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर आपने ये 8 सिंगुलर्स प्लूरल्स हैं ये आपने लिखने हैं। सबसे पहला है चेयर, CHAIR, चेयर। चेयर के आगे एस लिख देंगे तो चेयर्स बन जाएगा, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। इसी तरह फ्लावर है तो एस लगा देंगे तो फ्लावर्स बन जाएगा। हैट है, एस लगा देंगे हैट्स बन जाएगा। बोट है, बोट लिख के आगे एस लिख देंगे तो बोट्स बन जाएगा। नेक्स्ट है बोट के से नेक्स्ट जो है वो ट्री है, ट्री लिख के TRE एस लिख देंगे तो ट्रीज बन जाएगा। इसी तरह पेपर है, पेपर लिख के PAPER एस लिख देंगे तो पेपर्स प्लूरल बन जाएगा। पेन का पेन्स, बुक का बुक्स। ठीक है, तो आपने इसी तरह ये सारे सिंगुलर प्लूरल्स अपनी कॉपी पे प्यारे से ज्वाइनिंग राइटिंग में आपने इनको लिखने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो लेक्चर नंबर 5 का है, वो है क्रिएटिव राइटिंग माई सेल्फ। जिस तरह उर्दू में आप लिखते हैं मेरी ज़ात, उसमें अपना नाम लिखते हैं, उम्र लिखते हैं, कितने बहन भाई हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इसी तरह आपने इंग्लिश में भी माई सेल्फ इस तरह लिखना है। सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे, फिर आप ये लिख सकते हैं कि आपकी कितनी एज है, किसी की 6 होती है, कोई 7 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो वो आपने लिखना है इस तरह। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि आपके कितने बहन भाई हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यू हैव। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि आपकी लाइक्स क्या हैं, क्या पसंद है आपको खाने में या खेलने में, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप, ये लिख सकते हैं, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे आई रीड इन क्लास 1। ठीक है, और माय स्कूल नेम इज़, जो भी आपका स्कूल है, कैंट पब्लिक का स्कूल, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई सी भी अपनी पसंद की आपने 5 लाइन्स जो हैं वो माई सेल्फ में लिखनी है, प्यारी नीट करके इंग्लिश की कॉपी में। एक पेज पर आप सिंगुलर प्लूरल्स करेंगे और दूसरे पेज पर आप क्रिएटिव राइटिंग करेंगे माई सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।